Please subscribe our channel and don't forget to press the bell button for latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एलिगेंट एस्थेटिक्स, एचएन ऑफ इंडिया फर्स्ट होम्योस्थेटिक क्लिनिक्स, अपने चैनल ब्यूटी गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लिप लाइटनिंग के बारे में। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अगर उसके लिप्स जो है डार्क है तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि भाई शायद ये व्यक्ति जो है ये स्मोकिंग करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो है आपका लिप्स वैसे भी जो है कई बार जो है डार्क हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन होम रेमेडीज के बारे में जिनका यूज करके आप अपने लिप्स को लाइट कर सकते हैं, अपने लिप्स की ड्राइनेस जो है उसको हटा सकते हैं, अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, और वो भी सब बिना किसी मेडिसिन के, आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्ट और पिंक लिप्स पाने के लिए हम जो रेमेडी यूज करने जा रहे हैं, रेमेडी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए हाफ स्पून शुगर और हाफ स्पून हनी। ठीक है, अभी ये जो मेडिसिन प्रिपेयर होगी, ये जो रेमेडी प्रिपेयर होगी, इससे होगा क्या, इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट करेगी। नॉर्मली आपने देखा है कि लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, तो उसको ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हमने हनी को यूज़ किया है क्योंकि हाईली मॉइस्चराइज होता है। साथ के साथ हमने यूज़ किया है शुगर। शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपका एज ए स्क्रबर भी काम करेंगे, और साथ के साथ शुगर में जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है उपस्थित बहुत कम मात्रा में होता है, वो भी स्किन को लाइट और सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों मिक्सर को आपको एक ब्रश की हेल्प से या स्पून भी आप ले सकते हैं, बहुत हल्के से हमें इसको मिक्स करना है। ठीक है, हमें इसको पूरा ऐसे मिक्स नहीं करना है कि जो शुगर है हमारी चीनी जो बिल्कुल घुल जाए, बहुत हल्का हल्का सा सिर्फ ऐसे ही मिक्स करना है। और इस मिक्सर को अब हमें, जब आप देखेंगे कि हल्का हल्का सा आपका थोड़ा थोड़ा सा इसमें ग्रैनुल्स टाइप के आपको फील होंगे, इसको आपको अपने लिप्स पे जो है फिर अप्लाई कर लेना है। और लिप्स पे अप्लाई करके इसको आपको लगभग 10 to 15 मिनट्स छोड़ना है। 10 to 15 मिनट्स छोड़ने के बाद आप इसे बहुत हल्के हल्के हाथ से रब कर सकते हैं। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं ये तैयार है बिल्कुल, और इसको फील करके आप देखेंगे तो भी आपको इसमें ग्रैनुल्स टाइप के लगेंगे। इनको आप अपने लिप्स पे अप्लाई करके और फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से आप इसको जो है रब करेंगे। अभी इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रफनेस है, बहुत ज़्यादा लिप्स जो है ड्राई रहते हैं, या फिर आपका बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको अल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद ही आप पाएंगे कि आपके लिप्स पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अभी जो रेमेडी बताऊँगा वो रहेगा लिप लाइटनिंग के बारे में, किस तरह से आप अपने लिप्स को पिंक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बनाने जा रहे हैं एक लिप बाम जो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, और वो आपके लिप्स को एकदम पिंक बना देगा। उसके लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए बीटरूट यानी कि चकुंदर, जो आप इजीली मार्केट से अवेलेबल कर सकते हैं, कहीं पे भी मिल जाएगी। फिर हमें चाहिए एक पेट्रोलियम जेली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम प्लेन पेट्रोलियम जेली है, और ये वैसलीन के रूप में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। वैसलीन सबसे बेस्ट रहेगी, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो पैरासूट कोकोनट ऑयल है। फिर हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल्स, ये कैप्सूल्स भी आपको इजीली इवियन के नाम से ही मिल जाएंगे। ये इवियन 400 में यूज़ कर रहा हूँ, ये 600 में भी आता है। और फिर हमें चाहिए ग्लिसरीन, ये प्लेन ग्लिसरीन है, ये भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसके बाद हमें चाहिए मेन, एक बिल्कुल क्लीन जार जिसमें हम बना हुआ हमारा लिप बाम जो है हम उसको स्टोर करेंगे। अभी हम तैयार करेंगे अपना नेचुरल लिप बाम। उसके लिए सबसे पहले हमें बीटरूट को छील लेना है, और इसको छीलने के बाद हमें इसका जो है जूस निकालना है। तो जूस निकालने के लिए हमारा सबसे इजी प्रोसीजर है, सबसे पहले हम इसको जो है क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए आप मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर्स यूज़ किए हैं, तो उसके लिए मैंने सिंपल जो कद्दूकस होता है उससे मैंने इसको जो है क्रश किया है। अभी इसका जूस निकालने के लिए बिल्कुल प्रोसीजर हम नॉर्मल यूज़ करेंगे, आप इसको वैसे प्रेस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको जो लोहे की छन्नी होती है उसमें डाल के प्रेस किया है, तो बहुत ही ईजिली निकल गया है जूस। अभी बात करेंगे हम कि अगर आपको बिल्कुल पिंकिश कलर चाहिए, तो इन सारे के सारे जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम यूज़ करके ऐसे ही मिक्स करके इसको
पिंक एक अपना स्टेन जो है तैयार कर सकते हैं, पिंक इस लिप बम तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा वो बनेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए उसका कलर थोड़ा सा डार्क, तो डार्क करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना जो जूस है इसको हमें बॉयल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम इसको बॉयल करेंगे उतना ज़्यादा इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बिल्कुल वो प्रोसीजर्स बता रहा हूँ कि जो आप बिल्कुल अपने घर में इजीली कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने सिंपल एक कटोरी जो होती है उसका यूज़ किया है और उसको आप बहुत धीमी आँच पे जो है उसको गर्म करेंगे। तो अगर आपको जो भी इससे आगे मैं प्रोसीजर बताऊँगा, अगर आपको चाहिए सिर्फ बहुत हल्का सा कलर, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत पिंक कलर चाहिए, तो आप सिंपल उसको ही यूज़ कर सकते हैं। फॉलो जितना भी प्रोसीजर आगे का रहेगा उसी को ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मुझे डार्क कलर चाहिए तो मैं इसको अभी बॉयल कर रहा हूँ। तो बॉयल करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा कलर जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा डार्क हो जाएगा और बिल्कुल नेचुरल कलर है, और इससे जो बाम तैयार होगा वो बिल्कुल ही एकदम नेचुरल होगा और कोई आपको एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पेट्रोलियम जेली। अब आप ध्यान से देखिएगा हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली, 1 स्पून पेट्रोलियम जेली जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं वैसलीन का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं वैसलीन बहुत इजीली आपको कहीं भी मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, किसी भी शॉप से ले सकते हैं। नॉर्मली सर्दियों में स्किन को क्रैक से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेलीज का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हमने ली पेट्रोलियम जेली, इसके बाद हमको लेना है मॉइस्चराइजिंग के लिए कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल हम लेंगे 1/2 स्पून। अभी हमने लिया है 1 स्पून पेट्रोलियम जेली, 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल, और आप सारे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे इसमें सभी को ही हमने उस तरह से बनाया है कि बहुत ज़्यादा हाईली मॉइस्चराइज रहे। उसके बाद हम लेंगे 1/2 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको जैसे पता है बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेट करेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगी, पर्पस बनाने का बहुत ज़्यादा एकदम नेचुरल इसको हम बनाएंगे। और जब आप इसको यूज़ करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार में ही आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, फर्स्ट डे ही आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। उसके बाद हमें मिक्स करना है इसमें आपका विटामिन ई का कैप्सूल। अगर हम 1 स्पून बना रहे हैं, 1 स्पून पेट्रोलियम जेली के साथ हम बना रहे हैं, तो हमें लेना होगा 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इवियन, जैसा मैंने आपको बताया इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इवियन 400 ग्रीन कलर के आपके कैप्सूल्स आते हैं, और इवियन जो है आपका 600 आपका गोल्डन कलर के कैप्सूल्स होंगे। और अभी हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है जो हमें कलर देगा इसमें, ठीक है, 1 स्पून आपको मिक्स करना है बीटरूट जूस जो कि बॉयल है, क्योंकि मुझे इसमें डार्क स्टेन चाहिए था, मुझे डार्क कलर चाहिए था। अगर आपको डार्क कलर नहीं चाहिए तो आप उसको ऐसे ही बिना बॉयल किए हुए यूज़ कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें हमने ऑयल भी है, ऑयल के साथ बीटरूट है और साथ में ग्लिसरीन है, तो इसको मिक्स करना जो है थोड़ा सा आपका मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप इसको हल्के हल्के हाथ से बहुत ईजिली मिक्स कीजिएगा, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया है, फिर आप इसको थोड़ा सा अपनी स्पीड को इनक्रीज़ करके और इसको धीरे धीरे मिक्स कर सकते हैं। लगभग आपको कम से कम भी 5 मिनट्स तक इसको जो है हल्के हल्के से मिक्स करना होगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा वैसलीन और सारी की चीज़ें जो है एकदम मिक्स होंगी। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट्स इसको, लगभग 10-15 मिनट्स इसको आप जो है फ्रीज़र में रखिएगा। फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप निकालेंगे उसके बाद फिर से इसको ऐसे ही मिक्स कीजिएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से जो है हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, और अभी फाइनल काम एक बिल्कुल क्लीन कंटेनर में हम इसको जो है स्टोर करेंगे, इसको रखेंगे, और स्टोर करने के बाद हम इसको
लगभग कम से कम भी हाफ आवर के लिए आप फ्रीज़र में रख देंगे और हमारा स्टेन जो है वो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल हमारा बाम जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी इस लिप बाम हमारे पास जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक नेचुरल कलर में तैयार हो गया है और बिल्कुल सेफ़, आप दिन में कितनी बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई एलर्जी की टेंशन नहीं, कोई आपको कोई कॉस्मेटिक ऐसा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं सभी जो है। और अभी आप इसको जो है फ्रीज़र में स्टोर करके रख देंगे और फिर जब आप हाफ आवर के बाद इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा हमारा लिप बाम जो है वो तैयार हुआ है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप था हमारा क्लिंजिंग, देखिएगा किस तरह से अभी जो है इसका कलर आ रहा है। अभी मैं इसको स्टोर करता हूँ फ्रीज़र में। फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद अभी हमने इसको स्टोर कर के अभी मैं इसको लाया हूँ और आप देखिएगा कि किस तरह से हमारा परफेक्टली एकदम जो है वो तैयार हो चुका है। अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखाता हूँ, देखिएगा आप देखेंगे इसका कलर कितना नेचुरल हो गया है। तो अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप जो मैंने अपनी पहली रेमेडी बताई थी, आपको स्क्रबिंग करनी है हनी और शुगर से और उसके बाद आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल हमारा परफेक्टली नेचुरल बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जैसा आपने देखा, इन होम रेमेडीज का यूज करके आप नेचुरली अपने लिप्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो है कि आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं अपने लिप्स के लिए, या कोई भी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा क्रीम्स हैं, आप कोई सी भी अगर क्रीम यूज करते हैं तो उनका एक टेम्पररी रिलीफ होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको उनके रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन अगर आप ये होम रेमेडीज रेगुलर आप यूज करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपके लिप्स का कलर जो है वो बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली होगी। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और खासकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल वाला बटन है उसको तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो हेल्थी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और अपने ब्यूटी गुरु यानी कि डॉक्टर ललित कसाना के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।